हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव निब्बा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दंती के बारे में और दंती के फायदे। दोस्तों, दंती के पौधे को आयुर्वेद में औषधि पौधा माना गया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में दंती के फायदे का विस्तृत उल्लेख मिलता है। बाजार में दंती की जड़ें दंती मूल लकड़ी के टुकड़े के रूप में मिलती है। इस पौधे की जड़ें तना, फूल और फल सब सेहत के लिए उपयोगी है। दांतों और पेट से जुड़े रोगों के इलाज में दंती बहुत लाभदायक है। इस लेख में हम आपको दंती के फायदे को बताने वाले हैं। दोस्तों, दंती का पौधा 90 से 180 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और इसकी शाखाएं सफ़ेद हरे रंग की होती है। इसकी पत्तियां 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी गोल आकार में होती है। इसके फूल गुच्छों में उगते हैं जो हरे और पीले रंग के होते हैं। इसके फल रोएदार और लगभग 1 सेंटीमीटर लंबे अंडाकार में होते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच में इसमें फूल उगते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार सांसों से जुड़ी समस्याएं और पेट से जुड़ी समस्याएं रोगों के लिए दंती बहुत उपयोगी है। आइए जानते हैं कि अलग अलग बीमारियों में दंती का क्या उपयोग है और कैसे उपयोग करें। दोस्तों, दंती के जड़ के रस से में शहद मिलाकर आंखों में काजल के रूप में लगाने से आंखों के दर्द में आराम मिलता है। बेहतर होगा कि आंखों में दर्द होने पर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के बाद ही इसका उपयोग करें। दोस्तों, दंती की जड़ सत्यानाशी मूल कसियव को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण से दांतों की मालिश करें। दांतों पर यह चूर्ण मिलने से कीड़े खत्म होते हैं और दांतों की सड़न से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में सूजन आदि समस्याओं से परेशान हैं तो दंती आपके लिए एक उपयोगी औषधि है। 10 से 15 मिली दंती की पत्तियों का काढ़ा बनाकर सेवन करें। इससे सांसों में से जुड़ी समस्याओं में लाभ मिलता है। दोस्तों, कई बार पेट में गैस इकट्ठा हो जाने से पेट फूलने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे पेट में गैस का गोला बन गया है। आयुर्वेद में इस समस्या को गुल्म नाम दिया गया है। 5 से 10 ग्राम दंती द्रवंती की जड़ से पेस्ट को दधि, छाछ, मध, मंड तथा सिंधू के साथ सेवन करें। गुल्म रोग और पेट के रोगों में लाभ मिलता है। सेंधा नमक तथा अजमोदा के साथ दंती का तेल का सेवन करने से पेट से जुड़े रोगों में भी लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।